वल्लभ जीवन साधना, वल्लभ पद निर्वाण, वल्लभ सिद्धि पामता, वल्लभ वंदन हजार, वल्लभ स्मृति संतनी, वल्लभ भक्ति सुवास, वल्लभ स्मरण कल्याणना, वल्लभ मुक्ति सुवास। आज समूचा देश युग द्रष्टा आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 150वीं जन्म जयंती मना रहा है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूरी जी महाराज के पथदर्शन और आशीर्वाद के तहत आपको वंदन कर सुख साता पूछता हूँ। और साथ ही मेरे परम मित्र श्री अशोक कुमार जी जैन और श्री राजकुमार जी जैन और सभी को स्नेह स्मरण करता हूँ। भगवान महावीर की पाठ परंपरा के 74वें पटधर युग द्रष्टा आचार्य विजय वल्लभ सूरी जी महाराज को वंदना कर मैं अपनी इस तीर्थ यात्रा का प्रारंभ कर रहा हूँ। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में कहा है कि जहाँ एक सत्पुरुष विराजमान है, जहाँ एक संत विराजमान है, जहाँ एक चेतना विराजमान है, बस उसी स्थान को तीर्थ कहा जाता है। तो मैं आज आप सबके साथ पंचतीर्थी का प्रारंभ कर रहा हूँ और इसका प्रारंभ करते इसका यात्रा स्थल है कालजयी लोकोत्तर व्यक्तित्व युग द्रष्टा विजय वल्लभ सूरी जी का। गुरु वल्लभ की जन्मभूमि हम जानते हैं गुजरात थी, गुजरात के बड़ौदा में वो जन्मे थे, किंतु उनकी कर्मभूमि पंजाब है। पंजाब यानी पांच नदियों का संगम, पांच नदियों का प्रदेश। और उसी प्रकार हमारे यहाँ तो नदी भी तीर्थ स्वरूप है और इसी के कारण तो चलिए हम आप सब साथ में चलकर गुरु वल्लभ के जीवन की पंचतीर्थी का प्रारंभ करें। दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने एक दफे महात्मा गांधी जी के बारे में उनकी शताब्दी पर कहा कि आपने यानी भारत ने तो हमें बैरिस्टर गांधी दिए थे। भारत से जब गांधी जी गए तब वो बैरिस्टर थे और अदालत में केस लड़ने के लिए गए थे, तो आपने हमें, उन्होंने कहा, बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी दिए और हमने आपको इस सदी के महानायक महापुरुष महात्मा गांधी दिए। और इस प्रकार हम आज कह सकते हैं कि गुजरात में तरुण मुनि विजय वल्लभ की पंजाब को भेंट दी और पंजाब ने हमें 20वीं सदी के संत परंपरा के उज्जवल नक्षत्र, क्रांत दृष्टा और शांति दूत ऐसे विजय वल्लभ सूरी जी महाराज की हमें भेंट दी। कैसे मिले हमें विजय वल्लभ सूरी महाराज? महातपस्वी, अध्यात्म के धनी, समाज सुधारक, नारी उन्नायक, साहित्यकार और युग द्रष्टा विजय वल्लभ सूरी की पंजाब ने जिन शासन को भेंट दी। हम देखते हैं कि एक तीर्थ की यात्रा करने से भी पुण्य प्राप्त होता है, मगर आज हम एक तीर्थ की नहीं, पांच पांच तीर्थ की यात्रा आपके साथ कर रहे हैं। सबसे पहला तीर्थ है संयम तीर्थ। और गुजरात व युग द्रष्टा आचार्य श्री की माता की भूमि है और उनकी जन्मभूमि भी है। और इस संयम तीर्थ की यात्रा करते करते हमें पता चलता है कि कैसी धर्म भावना से भरी होगी, कैसी धर्म भावना से भरी होगी उनकी माता इच्छाबाई। वो श्राविका इच्छाबाई की आप कल्पना करें, उनके तीन पुत्र थे और यह श्राविका के मन में एक भाव था। देखिए उस समय की श्राविका के मनोभाव कैसे थे कि मेरे तीन पुत्र हैं, इसमें से एक पुत्र मैं परमात्मा भगवान महावीर को समर्पित करना चाहती हूं। माता की चाह भी देखिए। और इसलिए उसने सोचा कि मेरा एक लड़का, मेरा एक पुत्र यदि साधुता ग्रहण करे,
तो मेरे जीवन का परम सार्थक क्या होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे आचार्य हीर विजय सुरेश्वर जी महाराज की माता नाथीबाई का आपको स्मरण होगा, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य की माता पाहिनी देवी का आपको स्मरण होगा, और इसके साथ आपको अवश्य स्मरण होगा गुरु वल्लभ की माता इच्छाबाई का। अब देखिए इच्छाबाई की इच्छा कैसी थी। वह जमाना था कि जब हमारे परिवार ऐसा सोचते थे कि हम अपने एक बच्चे को धर्म को समर्पित करेंगे, ये जिन शासन के प्रति माता की जो श्रद्धा थी, जब उनका अंतिम समय था और तब गुरु वल्लभ जिनका बचपन का नाम था छगन, कि बेटा बस मेरी एक इच्छा है तुम धर्म को समर्पित हो जाओ। बच्चे छगन ने कहा, बहुत छोटा लड़का था, उसने पूछा कि मां तुम चली जाएगी तो मुझे कौन संभालेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, तुम ही मेरे सुख का आधार हो, तुम ही मेरे जीवन का आधार हो मां, और तुम्हारे बिना, वो छोटा लड़का कहता है, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकूंगा, रह सकूंगा, मैं तो बेसहारा हो जाऊंगा, तुम मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही हो मां। अब मां कहती है, और देखिए उस धर्मनिष्ठ माता के वचन देखिए, माता कहती है बेटा मैं तुम्हें शाश्वत शरणदाता अरिहंत के शरण में छोड़कर जा रही हूं, और तो शरण होते हैं वो शाश्वत नहीं होते हैं, ये परमात्मा का शरण है वो शाश्वत है, और फिर मुझे किस बात की फिक्र, तुम्हें ऐसे शाश्वत शरणदाता के चरण में रखकर जा रही हो तो तुम अविनाशी सुखधाम उसी से पाओगे, और इसीलिए दो काम करना। देखिए मां के दो वचन, पहली बात मां ने कही कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी बात धर्म की, धन की प्राप्ति होनी चाहिए, और धन की नहीं, धर्म के धन की प्राप्ति, और दूसरा तुम्हारे द्वारा जगत का कल्याण होना चाहिए। देखिए कैसी महान भावना है। और वो श्राविका जिसने अपने अंतिम समय में भी अपने देव गुरु और धर्म का स्मरण किया, माता हमारे यहां कहा गया है, और हम तो मानते हैं कि माता एक जीवंत शास्त्र है, और माता के संस्कार आगे जाके कभी शास्त्रों के रूप में त्रिभूत होते हैं। माता इच्छाबाई के वचन युग दृष्टा आचार्य श्री के समग्र जीवन पर देखे तो हमें पता चलेगा, जैसे वृक्ष की पहचान बीज से होती है, इसी प्रकार माता के वचन से हम, माता के वचन से हम युग दृष्टा आचार्य श्री के जीवन के मर्म को पा सकते हैं। और देखिए माता के हृदय से बढ़कर जगत में कोई शास्त्र नहीं है। माता ने अपने छगन को संसार की संपत्ति के बारे में नहीं कहा, नहीं उसे परिवार के बारे में कहा, उसने बस एक ही बात की कि जगत की सबसे बड़ी संपत्ति जो आत्म संपत्ति है वो तुम प्राप्त करो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और दूसरी बात बताई कि अपने जीवन में स्वर्ग के बजाय, स्वर्ग की बातों के बजाय धरती की बातों को सोचो, और धरती के लोगों को, मानव के कल्याण को, उस मार्ग पर तुम गति करो। माता ने बालक छगन के मन में संयम की भावना का इस प्रकार बीजारोपण किया, और जैसे अपने भीतर कोई संस्कार हो और वही मातृवचन से जागृत हो, ऐसा छगन के जीवन में घटित हुआ। और माता ने अपने एक पुत्र को जीन शासन की राह पर रख दिया। अब देखिए श्रद्धा सेवा और समर्पण माता का है अपना सपना। ये माता कैसी है, श्रद्धा सेवा और समर्पण ये सपना रखती है, माता का है अपना सपना। समता ममता और सहनशीलता, संयम, क्या कहा अपने बच्चे को, संयम और सादगी से तपना। वह माता भी कैसी,
जो जीवन के अस्ताचल के समय, जो जीवन के अस्ताचल के समय अपने पुत्र के जीवन में धर्म का अरुणोदय देखना चाहती है, किसी श्राविका है। और ऐसे ऐसी हमारी शासन की श्राविका और इस भावना का प्रतिबिंब कहाँ हुआ? बड़ौदा की जानी शेरी में, वो जानी शेरी के अंदर गुरुवर आचार्य श्री विजयानंद सुरेश्वर जी व्याख्यान पूर्ण होने के बाद बैठे थे। ये बालक छगन ने उनके पांव पकड़ लिए और उनकी आंखों में से आंसू की धारा छलक उठी। गुरुदेव ने कहा, अरे बेटा तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हारी आंखों में से आंसू क्यों नहीं रुक रहे हैं? गुरुदेव आसन से उठकर उसके पास गए और प्यार से बोले, तुझे क्या तकलीफ है, क्या तुझे धन की आवश्यकता है? और ये छगन ने क्या कहा आप देखिए, इनकी तीक्ष्ण बुद्धि का एक प्रतिबिंब यहां मिलता है। छगन ने कहा, हां कृपा निधि, मुझे धन की आवश्यकता है। कितना धन चाहिए? छगन ने कहा, मैं तो उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता हूं, आप ही बताएं पुण्या श्रावक के सामयिक की कीमत क्या हो सकती है, आप ही बताएं। हम जानते हैं कि भगवान महावीर ने कहा कि पुण्या श्रावक की सामयिक की कीमत क्षणिक तुम नहीं कर सकोगे। और बात ऐसी थी कि एक बार महाराजा श्रेणिक ने भगवान से पूछा कि मृत्यु के बाद मेरी कैसी गति होगी। ज्यादातर राजनीतिज्ञों को यह परेशानी होती है। तब भगवान महावीर ने कहा कि नरक गति होगी। और अब देखिए, अपने परम भक्त को भी भगवान सत्य की बात कहते हुए तनिक भी अचकाते नहीं है। हमारे ग्रंथों ने कहा है, सत्यम खु भगवंतम, सत्य वही ईश्वर है। और इसीलिए राजा श्रेणिक ने प्रभु से कहा कि इसका कोई उपाय है। तब भगवान ने कहा कि पुण्या श्रावक की केवल एक सामयिक का पुण्य प्राप्त करो तो तुम्हारी नरक गति टल सकती है, तो वहां से आप तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। राजा श्रेणिक, देखिए एक श्रावक जो सादगी से अपना जीवन यापन करता है, जो धर्म परायण है, उसके पास स्वयं राजा चल कर जाते हैं। और राजा श्रेणिक उनके पास गए और उनको पूछा कि मैं तो आपकी सामयिक का मूल्य जानने के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो क्या इसका मूल्य जानूं, तुम स्वयं भगवान के पास जाकर ही उसके मूल्य का पता करो। जब श्रेणिक भगवान महावीर के पास गए तो भगवान ने कहा, सच्चे श्रावक की सामयिक का मूल्य का अनुमान लगाना असंभव है। कई मेरु पर्वत जितने धन के ढेर लगाए जाए तो उनसे भी अधिक पुण्या की एक श्रामयिक की पुण्या की एक श्रामयिक की सिर्फ दलाली है। एक पूरे सामयिक का मूल्य तो कई गुना है। और इस तरह भगवान ने कहा कि इसकी सामयिक का मूल्य तुम पूरा आंक सकते नहीं हो। इसका अर्थ यह हुआ कि पुण्या श्रावक की सामयिक अमूल्य है, इसका कोई मूल्य आंका नहीं जा सकता है। भगवान महावीर ने यही बात दूसरी तरह से श्रेणिक को बताते हुए कहा कि कोई व्यक्ति एक अश्व घोड़ा खरीदने जाए और इस घोड़े की लगाम की कीमत जितनी हो, इस घोड़े की लगाम की कीमत जितनी हो उतनी पुण्या के सामयिक के समक्ष, उतनी पुण्या के सामयिक के समक्ष राजा श्रेणिक की राजभंडार की होगी। देखिए दृष्टांत। और महाराजा श्रेणिक ने देखा कि वो कोई भी स्थिति में पुण्या श्रावक की सामयिक खरीद नहीं कर सकता है।
इससे वे निराश हुए, परंतु साथ ही सच्चे श्रावक पुनिया की धर्म भावना की मन ही मन में वंदना करते रहे। तो ये बालक छगन को कौन सी संपत्ति की आवश्यकता है, कौन सी संपत्ति की चाह है? गुरुदेव ने सोचा इसे तो धन की जरूरत होगी, अर्थ की जरूरत होगी, तकलीफ में होगा ये बालक। इसलिए उन्हें कहा कि तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो और ये देखिए छोटा बालक क्या कहता है गुरुदेव से। वो कहता है, नहीं महाराज, मैं तो आपसे धन प्राप्ति की आशा करता हूं। गुरुदेव ने कहा, तुम तो जानते हो हम तो अकिंचन साधु है, संपत्ति नहीं रखते। बोल बच्चा, तुम्हें कितना धन चाहिए? कहा, कृपा निधि, मुझे ऐसी धन संपत्ति चाहिए जिससे मैं अनंत सुख की प्राप्ति कर सकूं, अनंत सुख की प्राप्ति कर सकूं। और बालक छगन में बाल्यावस्था से ही अनेक संपदाओं से वो संपन्न था, और दादा गुरु के चरण में बैठकर छगन ने व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, चरित्र और ग्रंथों का अभ्यास किया और गुरु की वैया वच में सदा तत्पर रहे। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने रसत्याग किया और ज्ञान और ध्यान की साहजिक यात्रा आगे चलने लगी। आप देखिए, ये संयम यात्रा का पहला पड़ाव है, ये प्रथम तीर्थ है। सूत्र कृतांग सूत्र में कहा गया है, मुनिजन कैसे होते, प्रश्न किया है। और आप गुरुवल्लभ का स्मरण करें, सूत्र कृतांग सूत्र कहता है कि वह शरतकालीन सरिता के समान निर्मल होते हैं, गगन विहारी पक्षी के समान सभी बंधनों से मुक्त होते हैं, और इस पृथ्वी के समान समस्त सुख दुख को समान रूप से संवहन करने वाले होते हैं। वही निर्मलता, वही निग्रंथता, जैसे कोई ग्रंथ ही नहीं, नहीं कोई आग्रह, नहीं कोई पूर्वग्रह, और सुख दुख के समय में वही साक्षी भाव हम गुरु वल्लभ के जीवन में देखते हैं। गुरु के प्रति गुरु वल्लभ की निष्ठा आप देखिए। एक बार छानबीन करती पुलिस उनके पास आई और गुरुवल्लभ से पूछा, आपका नाम क्या है? गुरुदेव ने कहा, विजय वल्लभ। आपके पिता का नाम क्या है? आत्माराम जी महाराज। आपकी माता का नाम क्या है? गुरुवल्लभ ने कहा, आत्माराम जी महाराज। आपके गुरु का नाम क्या है? गुरुवल्लभ ने कहा, आत्माराम जी महाराज। अब देखिए कि जो जागरण हुआ है, गुरु से जो जागरण पाया है, उसका कैसा अनुभव हम यहां देख सकते हैं कि गुरु से जो प्राप्त हुआ है और कैसी तन्मयता है। जैसे आनंदगण कहते हैं, नाम आनंदगण, गान आनंदगण, तान आनंदगण, बस उसी प्रकार की एक मस्ती गुरु में थी। गुरु का अर्थ है, हम जानते हैं, विवेक वंदना, विश्वास वंदना और परम को वंदना। इस तीनों वंदना हम गुरु वल्लभ में देख सकते हैं। और कैसी सर्व समर्पणता। संयम के दो आधार है, हमारे ग्रंथों ने कहा, एक निश्चय और एक दृढ़ता, और गुरु वल्लभ में ये पहले से ही विद्यमान थी। एक समय बीकानेर में थे, तब उन्होंने निश्चय किया कि जब तक पंजाब नहीं पहुंचूंगा तब तक एकासना और 10 द्रव्य का त्याग करूंगा। एक दृढ़ता की कई मिसाल गुरु वल्लभ के जीवन में प्राप्त होती है। पहले निश्चय करते हैं और फिर उसी निश्चय को दृढ़ता से पूर्ण करते हैं। और देखिए, पंजाब में कॉलेज की स्थापना न हो तब तक उपवास, मौन और सादगीपूर्ण प्रवेश का निश्चय किया उन्होंने। और उसी प्रकार सिद्धाचल की यात्रा कई विघ्नों के कारण रुक गई थी, तो गुरु वल्लभ ने कहा कि जब तक ये सिद्धाचल की यात्रा का पुनः प्रारंभ नहीं होगा तब सभी गांवों में मेरा प्रवेश अत्यंत सादगीपूर्ण होगा। ये समर्पण। और इसी प्रकार अपनी आचार्य पदवी के समय भी उन्होंने खद्दर पहनी थी। तो ऐसे गुरु वल्लभ जिनमें से नम्रता,
अनासक्ति और त्याग की भावना की पराकाष्ठा है। अपने नाम के मोह का कभी स्पर्श भी उन्हें नहीं हुआ है। अब देखिए, आदमी अपने नाम की कीर्ति छोड़ नहीं सकता है। हम कहते हैं ना कि आदमी को लोकेष्णा होती है, वित्तेष्णा यानी धन की इच्छा, पुत्रेष्णा पुत्र की इच्छा, और तीसरी है लोकेष्णा लोक में प्रसिद्धि की इच्छा। गुरुदेव कैसे निष्प्रुव थे, ये संयम तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं हम, और देखिए जीवन में कैसे कैसे संयम उनके जीवन में से प्रकट होते हैं। उन्होंने कई संस्थाएं स्थापित की, कई ज्ञान भंडारों की स्थापना की, मगर कहीं भी उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, या तो भगवान महावीर का नाम या अपने गुरुदेव का नाम, और कहीं भी विजय वल्लभ का नाम उन्होंने नहीं दिया। यह उनका समर्पण है, और इसी समर्पण के कारण कि जो योग्यता थी वो योग्यता के साथ बहुत कठिन है नम्रत होना, और योग्यता और नम्रता दोनों साथ चल रही है। मुझे याद है एक समय बड़ौदा में और दूसरी दफे फाल्ला में श्री संघ ने गुरुदेव को बहुत आग्रह किया कि आप 80 वर्ष की आपकी आयु है और आपको हम सब मिलकर बड़े प्रेम से शासन सम्राट की पदवी देने चाहते हैं, पद देने चाहते हैं। और गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, ये गुरुवल्लभ है। कैसी निष्प्रियता, और सिर्फ निष्प्रियता नहीं और साथ में सक्रियता भी। निष्प्रियता ऐसी कि गुरुदेव ने कहा कि मुझे पद नहीं, तो फिर गुरुदेव ने कहा मुझे काम दो, मुझे शासन का काम दो। तो इस संयम तीर्थ की यात्रा करते करते हमने जैन श्रारिका इच्छाबाई की गरिमा को प्रणाम किया। बालक छगन की आत्मसंपत्ति प्राप्त करने की आतुरता को वंदन किया, और इनकी संयम दृढ़ता देखी, इनकी निश्चय दृढ़ता देखी। और इससे आगे संयम तीर्थ से आगे हम दूसरे तीर्थ में जाते हैं, और वो है विद्या तीर्थ। अब देखिए कि जब जब हम उनकी विद्योपासना के बारे में जानते हैं और समाज को जगाने की बात जानते हैं, उन्होंने बड़े निर्भीकता से देखा और जो देखा वो कहा। उन्होंने देखा कि समाज क्यों पिछड़ा हुआ है, अज्ञान के कारण, अभ्यास नहीं होने के कारण हमारे लड़के गांवों में बस छोटी छोटी दुकानों में रह जाते। तो उन्होंने, मैं मानता हूं, विद्या के क्षेत्र में एक अप्रतिम क्रांति की, और एक ऐसी क्रांति थी कि उन्होंने कहा, बड़े बड़े बड़ी हिम्मत से कहा, बड़े साहस था उनमें। क्या साहस था, उन्होंने कहा कि हम जगह जगह पर लक्ष्मी मंदिर बनाते हैं और अभी हमें आवश्यकता सरस्वती मंदिर की है। देखिए, एक लक्ष्मी पूजक समाज को यह कहना कि तुम्हें आवश्यकता इसकी नहीं, ज्यादा इसकी है। और हम देखते हैं कि उन्होंने बताया कि हमारा समाज विद्याहीन हो गया है, उसे सरस्वती मंदिर की आवश्यकता है। आज हम कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर, वो गुरुदेव ने कई सालों के पहले, एक सदी के पहले कहा है, एक शताब्दी के पहले कहा है कि नॉलेज इज पावर। ये देखिए, और यह सूत्र हम कहते हैं कि उनसे मिला है। और आप देखिए हमारा कैसा समाज था, हमारा समाज के बारे में ऐसा कहा जाता था कि हम पढ़ने लिखने के दो ही काम करते हैं, हम कोई किताब या ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ अपनी पासबुक पढ़ते हैं, और हम लिखते हैं क्या, हम सिर्फ चेकबुक लिखते हैं। और कई लोग तो मुझे ऐसे भी कहते हैं कि भाई पासबुक सिर्फ पढ़ते हैं, चेकबुक नहीं लिखते हैं, किसी को पैसे नहीं देते। ऐसे समाज में, जैसे गुजराती में हम कहते हैं कि चौपड़ी करता चौपड़ा मां वधू रस छे, चौपड़ी
करता चोपड़ा में वधु रस छे, अर्थात पुस्तक के बजाय हिसाब लिखने की वही में ज्यादा लगाव है। और गुरु वल्लभ का स्मरण करते हुए परमात्मा महावीर की याद आती है। भगवान ने कहा पद्मम ज्ञान तयोदया, पहले ज्ञान होना चाहिए। यदि तुम्हारे में ज्ञान नहीं होगा तो तुम दया अहिंसा का पालन भी ठीक ढंग से नहीं करोगे। तुम जिसे अहिंसा मानोगे किंतु तुम्हारे अज्ञान के कारण वो हिंसा को तुम अहिंसा मानोगे। अब देखिए ये समाज जिसमें शुद्ध ज्ञान का महत्व है, जिसमें विद्या दान का महत्व है, और ये समाज कितना दूर चला गया था उसी बातों से। भगवान ने जो कहा था उसकी बात, उसकी वाणी फिर हमें गुरु वल्लभ में सुनने मिलती है। और गुरु वल्लभ हम जानते हैं हमारे समाज को जगाते हैं। वो ये समाज है, वो बताते हैं कि ये समाज है जिसका काम ज्ञान पिपासा है, विद्या तीर्थ है, सरस्वती मंदिर है, और तेजस्वी युवक युवतियां हैं जो ज्ञान से विभूषित है। और इसीलिए आप जानते हैं हमारे देश में जो ज्ञान पंचमी सिर्फ जैन समाज ही मनाता है, और सब तो लाभ पंचमी कहते हैं, लाभ पांचम कहते हैं। तो यह लाभ का महत्व नहीं है, या न अर्थ लाभ का महत्व है, न भौतिकता के लाभ का महत्व है, न सांसारिक चीजों के लाभ का महत्व है, या किसका महत्व है, या ज्ञान का महत्व है। और उस ज्ञान पंचमी की आराधना करने वाले समाज को उन्होंने कहा जरा फिर तुम ज्ञान की साधना करो। क्या हुआ, हम ज्ञान के प्रति उपेक्षा करते थे, और उस समय और उस जमाने में आदमी थोड़ा कुछ पढ़ता था अपने गांव में और फिर अपने दुकान पर बैठ जाता था। उसे अपने गांव से बाहर जाने की अनिच्छा थी, और अनिच्छा के कारण भी थे। उसे ये भी प्रश्न था कि मैं कुछ बड़े शहर में जाऊंगा तो कैसे रह सकूंगा। तो गुरु वल्लभ ने एक अद्वितीय क्रांति की, और 1915 की 18वीं जून के दिन उन्होंने एक किराए के मकान में विद्यार्थियों के साथ श्री महावीर जैन विद्यालय की स्थापना की। इस समूचे जैन समाज की एक महान घटना है। आज देखते हैं कि महावीर जैन विद्यालय वो सिर्फ एक बीज में से वृक्ष नहीं हुआ है, वो बीज में से कई वृक्षों वाला एक रमणीय उद्यान हो गया है। कितने लड़के उसमें पढ़े, और आज देखें तो कोई देश में और विदेश में बहुत बड़े डॉक्टर है, बहुत बड़े इंजीनियर है, बहुत बड़े अकाउंटेंट है। तो एक समाज का सार्वत्रिक उत्थान, एक रूढ़िग्रस्त समाज का सार्वत्रिक उत्थान, एक संकीर्ण समाज का सार्वत्रिक उत्थान गुरुदेव ने कहा। और इसके कारण आप कल्पना नहीं कर सकेंगे कि मगर गुरु वल्लभ को इतने इतने कष्ट पड़े। कष्ट सहना वो तो उनका आनंद था, एक कार्य के लिए, एक शासन के लिए, एक एकता के लिए, एक विद्या के लिए, एक दरिद्रता दूर करने के लिए कष्ट झेलने में उन्हें बहुत आनंद आता था। और इसीलिए जो विरोध है वो विरोध उनके पास जाते जाते विनोद हो जाता था। जब उन्होंने बंबई में महावीर जैन विद्यालय की स्थापना की बात की तब गुरु वल्लभ के विरुद्ध कई पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, किंतु गुरुदेव ने सभी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। और उसका एक ही कारण था कि उनके हृदय में अपने समाज के प्रति अगाध करुणा थी, और सिर्फ करुणा से वो अरुक गए नहीं थे, उस करुणा को कार्य में रूपांतरित किया। और इसी के कारण हम देखते हैं कि गुरु वल्लभ के कारण हमें छात्रालय मिले, जीनालय मिले, जीन आगम का अभ्यास हुआ, आज MBA कॉलेज भी है, और सब जगह गुरु के आशीर्वाद से कितना अच्छा विद्या का काम हो रहा है। और हम देखते हैं कि महावीर जैन विद्यालय का जो विकास हुआ है, आप देखिए कि इस संस्था को कई समर सूत्रधार मिले, कई
ऐसे छात्र मिले जो ज्ञान पिपासु, और उन्होंने भविष्य में कितना बड़ा काम किया। तो मैं मानता हूं कि जैन समाज के संस्थाओं का एक आदर्श प्रतीक कोई हो तो वो महावीर जैन विद्यालय है। उसके शताब्दी के कार्यक्रम तो अभी हुए, अगर हम चाहते हैं कि वो गुरु की कल्पना वो साकार हो। गुरु ने कहा था कि महावीर जैन विद्यालय जैन समाज का गौरव है, प्रगति का मापदंड है, श्रम का साफल्य है और आदर्श की इमारत है। यह महावीर जैन विद्यालय एक आदर्श इमारत हो, एक आदर्शों की इमारत हो, उसके प्रत्येक विद्यार्थी छात्र एक समाज में आदर्श हो, ऐसी गुरु की कल्पना थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि आधुनिक काल में शिक्षा की उपेक्षा कर कोई भी समाज अपनी प्रगति नहीं कर सकता है, और इसीलिए रचनात्मक कार्यों में सबसे उपयोगी, लाभदायक दूरदर्शिता और समाज में नवीन जागृति और स्फूर्ति लाने वाली कोई बात हो तो वो शिक्षा का प्रचार है। और आप देखिए, दो महापुरुष उस समय के, एक थे हम जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी, और दूसरे थे हमारे गुरु वल्लभ। ये दोनों ने ये विद्या का ऐसा काम किया कि आज उनके जो विद्या स्थल है वो महावीर जैन विद्यालय है, वो आत्मानंद जैन गुरुकुल गुजरावाला जो उस समय था, अब गुजरावाला जानते हम पाकिस्तान में, आज अंबाला शहर में ये चल रहा है, आत्मानंद जैन कॉलेज और कई जैन कॉलेज, फाल्ला में जैन कॉलेज, वरकाना में जैन कॉलेज, अनेक हाईस्कूल, ये सब का निर्माण हुआ। ये कैसे हुआ? देखिए, ये एक विद्या प्रीति के कारण है, और एक ऐसी विद्या प्रीति कि जिसमें लिखा है, और एक आदमी ने जिसने एक महानिबंध का थीसिस लिखा द सोशल सर्वे ऑफ जैन कम्युनिटी, और उसमें उसने कई फिगर्स दिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उससे उसने सिद्ध किया है कि जैन समाज में शिक्षितों की प्रतिशत पारसी या यहूदियों को छोड़कर सबसे अधिक है। और मानना होगा कि इसका मुख्य श्रेय गुरुदेव की साधना को हम दे सकते हैं। गुरुदेव ने एक बार ज्ञान भंडार का उद्घाटन करते हुए कहा था कि डिब्बे में बंद यह ज्ञान वो तो द्रव्य श्रुत है, उसे तुम बाहर निकालो। आज भी हम देखते हैं कई हस्तप्रतें हमारे ज्ञान भंडारों में ऐसी पड़ी है। तो गुरुदेव ने यह भी बताया कि ज्ञान मंदिर की स्थापना से नहीं, मगर उन्होंने कहा कि तुम ज्ञान मंदिर की स्थापना करके उसमें जो ज्ञान है जो डिब्बे में बंद है उसको बाहर लाओ, विद्वानों के द्वारा बाहर लाओ और उनका प्रचार करो। ये उनकी ज्ञान दृष्टि थी, और इसीलिए उन्होंने कई स्वप्न रखे थे समाज के सामने। अपने अंतिम समय में उनका एक स्वप्न था कि एक जैन विश्वविद्यालय हो, और दुर्भाग्यवश समयाभाव के कारण वह अपना यह स्वप्न पूर्ण नहीं कर सके, किंतु अपने भावी पीढ़ी को ये काम वो सौंप गए हैं कि एक ऐसा जैन विश्वविद्यालय हो जहाँ वो जैन विद्या का अभ्यास हो। तो पहला संयम तीर्थ उनके जीवन में देखने मिलता है, दूसरा उनके कार्य में विद्या तीर्थ देखने मिलता है, तीसरा उनके जीवन में शौर्य तीर्थ का दर्शन होता है। अब देखें कैसा शौर्य तीर्थ था। हमारा अहिंसा पालक समाज वीर की अहिंसा को भूल गया है, और इसी के कारण हम ये भूल गए हैं कि जो वीर होता है वही महावीर का अनुयायी होता है। यहां सिंह की वीरता की बात है, सस्से की नहीं, और ऐसी सिंह की वीरता हम गुरु वल्लभ के गुजरात वाला के प्रसंग में देख सकते हैं, क्योंकि हम भूल गए अपने शौर्य को। बहुत दुखद बात है हमारे समाज की कि ये समाज में कई शूरवीर भी हुए हैं, ये बात हम भूल गए कि 80 साल की आयु में
मंत्रीश्वर उदयन युद्ध के लिए सूरठ की भूमि पर जाता है, ये भूल गए हम। हम ये भी भूल गए कि जौनपुर का एक जैन विक्रमादित्य हेमू 21 बार युद्ध में विजयी हुआ और उसके बारे में बड़े इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा है ये विक्रमादित्य हेमू वो तो युद्ध का देवता था, भूल गए हम इसे। हम दानवीर भामाशाह को बहुत याद करते हैं और आवश्यक भी है, अद्भुत काम किया है स्वतंत्रता के लिए उन्होंने, मगर उसके साथ हम ये भूल गए कि ये भामाशाह बड़े वीर थे और ऐसे वीर थे कि जिनकी व्यूहरचना ऐसी थी कि उसका पार पाना, उसको उसको भेजना बड़ा कठिन था। तो ये समाज को उन्होंने तीसरी बात बताई, जैसे हम विद्या को भूल गए थे उन्होंने हमें उसकी याद दिलाई, जैसे हम वीरता को भूल गए थे उन्होंने हमें इसकी याद दिलाई। और वो कैसा समय था, 1945 से 1947 का ये समय था और ये बड़ा विक्षुब्ध समय था। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अलग हुए थे और उसी समय गुरु वल्लभ पंजाब में थे, 3 साल तक पंजाब में रहे, उनकी उम्र 75 वर्ष की थी आप देखिए। और गुरुदेव का चातुर्मास गुजरानवाला में था, एक समय आत्माराम जी महाराज के उपाश्रय में उपद्रवियों ने 4 बम गिराए थे, वहां रहना मुश्किल था, समाधि मंदिर में आग लगाने का प्रयत्न हुआ था, ऐसा समय था और देश के विभाजन के समय सबने कहा गुरुदेव को कि आप पाकिस्तान में गुजरांवाला छोड़कर हिंदुस्तान में आ जाइए, भारत में आ जाइए। तब गुरुदेव ने कहा कि जब तक श्री संघ का एक भी बच्चा यही रह गया तो मैं उसे निराधार छोड़कर नहीं जा सकता, पहले मैंने श्री संघ के सभी लोग जाए और फिर मैं जाऊंगा। और मैं कहता हूं यह वीरता की बात, आपको यदि जैन इतिहास का पता हो तो आचार्य कालक का स्मरण कीजिए, आपको जैन इतिहास का पता हो तो गुजरात का सबसे बड़ा साम्राज्य जिसके समय में था ऐसे कुमारपाल का स्मरण कीजिए, और आपको जैन इतिहास का पता हो तो जब वीरता की बात होती, एक साधु की परम वीरता का चरम शिखर यदि देखना होता तो ये आप गुजरांवाला में देख सकते, जहां गुरुदेव ने प्रत्येक व्यक्ति को वहां से सुरक्षा से निकलने के बाद ही वो स्थान छोड़ने का विचार किया। आप कल्पना करिए वो विभाजन का समय था, चारों ओर कोमी आग फैली हुई थी, धर्म जनून अपनी पराकाष्ठा पर था और उसी समय गुरु वल्लभ गुजरांवाला में थे। देखिए चारों ओर आग जलती है और बीच में गुरुदेव बैठे हैं, शांत दृढ़ निश्चय रखकर बैठे। ऐसे समय में उन्होंने देखा कि मेरे उपाश्रय के आसपास अत्याचारियों ने घेरा डाला है। गुरुदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए, अपनी धर्मनिष्ठा बरकरार रखी और उन्होंने वही पर्युषण पर्व मनाया, ऐसी परिस्थिति में पर्युषण पर्व मनाया। भाद्रपद की शुक्ल 11 को आचार्य हीर विजयसुरेश्वर जी महाराज की जन्म जयंती का आयोजन भी किया और इस समय गुरुदेव ने अपनी अप्रतिम वीरता और आंतरिक शक्ति का अनुपम परिचय दिया और कई संघर्षों के बाद गुरु वल्लभ अमृतसर पहुंचे। गुरु वल्लभ के शौर्य तीर्थ को हम प्रणाम करते हैं, उनकी इस वीरता को हम वंदन करते हैं, मगर साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे ये उपद्रवियों के बीच में उन्होंने वीरता बताई, ऐसी ही वीरता गुरुदेव ने सामाजिक परिवर्तन के बारे में भी बताई है। मैं तो आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं कि एक प्रवचन गुरुदेव का है जिसका नाम है समाजोद्धारक का मूल मंत्र, यह प्रकरण यह एक छोटा सा उनका व्याख्यान मैं मानता हूं कि उस जमाने में भी जितना आवश्यक था उतना ही आज के जमाने में आवश्यक है।
घर घर में ये व्याख्यान होना चाहिए, जिन्हें समाज की प्रगति की आकांक्षा है उनके घर में। और कैसा परिवर्तन किया गुरुदेव ने, कन्या विक्रय के सामने उन्होंने आवाज उठाई, समाज को जागृत किया। और आप कल्पना करिए कीजिए कि आज से 100 साल पूर्व नारी शिक्षा का प्रबंध उन्होंने किया और उसी के साथ जैन साध्वी जी, जिसको ज्ञानार्जन और व्याख्यान वाचन की अनुमति और सुविधा प्रदान की। आज भी ये मुश्किल है, वो बात गुरुदेव ने 100 साल से पहले बताई। आप देखिए कितने कष्ट झेले होंगे इसके लिए, उन्होंने कितना सहन किया होगा। और धर्मों की एकता की बात वो हमेशा करते रहे। उन्होंने कहा, इतना चाहता हूं कि सब लोग इकट्ठे हो, सब संप्रदाय के साधु के प्रति हमेशा गुरुदेव विनय भक्ति रखते थे। और ये नई बात होने के कारण समाज के विरोध को भी वो सहते थे। तो इसीलिए जब उनका कालधर्म हुआ उस समय, गणपति शंकर देसाई ने कहा था, क्या क्या कहा उन्होंने, मैं छाती ठोक कर कह रहा हूं और कह सकता हूं कि वो केवल जैनों के नहीं थे, परंतु सब लोगों ने उन्हें जगत गुरु के रूप में अपनाया था। उन्होंने कहा, उनके कार्यों ने जैनत्व को विकसित करते हुए मानवता को दैदिप्यमान किया। और इसीलिए ये धर्म तीर्थ, ये ज्ञान तीर्थ और शौर्य तीर्थ के बाद हम पहुंचते हैं सेवा तीर्थ के पास में। उस जमाने में गुजरात में एक उक्ति प्रसिद्ध थी, पेटमा खाड़ो अने वरघोड़ो जुवो, धार्मिक आयोजन देखे मगर वो बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन, बहुत धन का उसके पीछे लगाया गया और जो देखते हैं उसको दो टंकी रोटी भी नसीब नहीं होती है। तो गुरुदेव ने ये देखा, उन्होंने समाज की वास्तविकता को पहचाना और उन्होंने देखा कि ये गरीब और आर्थिक संकट के बीच में रहते हुए लोगों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। जैसे पालनपुर में एक नियम था कि जो 28 तपस्या करता है उसको स्वामी वात्सल्य करना ही पड़ता है। अब बात ऐसी बनी कि स्वामी वात्सल्य में जो खर्च होता था, इसी के कारण कई लोग ऐसे थे जो तपस्या नहीं करते थे। उन्होंने कहा, धर्म में ऐसा कोई कंपलसरी टैक्स नहीं होना चाहिए, और कि समस्त संघों को आदेश दिया कि ये प्रथा बंद करो। इन सामाजिक परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ कि कभी हम देखते हैं कि पंजाब से कोई भाई आता है, राजस्थान से कोई बहन आती है, गुजरात से कोई प्रोफेशनल आता है, सब एक ही बात करते हैं। वो सिर्फ एक कहते हैं कि हम गुरु वल्लभ के अनुयायी हैं, जैसे गुरु वल्लभ ने सभी राज्यों को एक साथ जोड़ दिया और हमारे शासन को इतना गौरव दिया। तो आप देखें, और मैं तो कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि आपको भक्ति देखनी हो, कभी भक्ति देखनी हो, तो सिर्फ पंजाब में जाकर गुरु वल्लभ की भक्ति देखिए। मगर ये भक्ति क्यों, ये भक्ति इसलिए कि उन्होंने समाज को शक्ति दी है। और इसी के कारण उन्होंने कहा था कि हमारे संप्रदायों के बीच एकता हो तो मैं अपना आचार्य पद का त्याग करने के लिए भी तैयार हूं। ऐसी जैन एकता की भावना थी, मानव सेवा, जैन एकता। और इसीलिए गुरु वल्लभ कहते हैं और एक ऐसा महान कथन करते हैं, हम देखते हैं कि ये गुरु वल्लभ भी कर सकते हैं, कि उन्होंने एक छोटे कुएं में रहा हुआ सांप्रदायिक समाज को सारे धर्म का आकाश बताने का प्रयत्न किया। और अपने अंतिम समय में मुंबई में चौपाटी पर एक भव्य सभा में उन्होंने घोषणा की, यद्यपि मैं एक जैन साधु हूं, तथापि मैं न जैन हूं, न बौद्ध हूं, न वैष्णव हूं, न शैव हूं, न हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, मैं तो शांति के मार्ग पर चलने वाला एक विश्व शांति का पथिक हूं। इस विश्व शांति की उनकी कल्पना,
मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप ये सोचें कि कितना बड़ा आकाश उन्होंने देखा, जहाँ सेवा तीर्थ भी है, ज्ञान तीर्थ भी है और सही सभी तीर्थों का समुच्चय हुआ है। तो गुरुदेव ने आखिर में एक बात, वो है पंचतीर्थी का आखिरी तीर्थ, पांचवा तीर्थ, वो है मानव तीर्थ। धर्म चाहे कितना भी महान हो, कितना भी मौलिक हो, कितना भी आदर्शमय हो, किंतु कालांतर में वो रूढ़िग्रस्त हो जाता है। कभी कभी इसमें कुछ विकृतियां भी आ जाती है, सभी धर्मों में ये होता है, और तब युगानुरूप हमें उसको बदलना पड़ता है। गुरु वल्लभ ने इस अनेकांतवाद को आगे रखकर जीवन और कार्य की साधना की। चार्ल्स डार्विन, विश्व के महान विज्ञानी, उत्क्रांतिवाद के जनक, उन्होंने एक जगह कहा है कि जब बाहरी विश्व में परिवर्तन होता है तो तुम्हें अपना भीतरी विश्व में परिवर्तन करना ही पड़ता है। उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा है कि वही जाति लंबे अरसे तक अपने अस्तित्व को संभालती रही जिसने बाह्य परिस्थिति के परिवर्तन के कारण अपने भीतरी परिवर्तन किया हो। जैसे हम जानते हैं कि मोटर थोड़ी जैसे पुरानी हो जाती है तो उसमें स्पेयर पार्ट्स भी लगाने पड़ते हैं, उसी प्रकार हम ये सोचते हैं कि गुरुदेव ने यह देखा कि धर्म का मोह हमें मनुष्य की ओर करना है, मनुष्य की ओर ले जाना है, मनुष्य के कल्याण की ओर ले जाना है, और इसके लिए हमें अपने भीतर को परिवर्तित करना होगा। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी सोच है। और देखिए आज हम सब अनुभव कर रहे हैं कि इस COVID-19 के समय में बाहरी परिस्थिति के कारण हमने कितना आंतरिक परिवर्तन कर लिया है। तो गुरुदेव ने पांचवा तीर्थ स्थापन किया, वो मानव तीर्थ है, और उसमें उन्होंने बात की मध्यम वर्ग का उत्कर्ष, असहाय विधवाओं की सहायता और बेरोजगार भाइयों को रोजगार, जिनको रहने की जगह नहीं बंबई जैसे स्थानों में, उनको घर, ये सब दिलाने की धनवानों को प्रेरणा दी। और आप देखिए कि उन्होंने कहा कि श्रावक श्राविका संघ की आवश्यकताओं की उपेक्षा मानो सभी क्षेत्रों की सार संभाल की उपेक्षा है, और इसीलिए उन्होंने गरीब और मध्यम वर्ग की उन्नति के बारे में वो हमेशा चिंतित रहते थे। उनके प्रवचनों में भी पराधीन भारत की परिस्थिति का चित्रण मिलता है। उसी समय महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता की ज्योति जलाई थी और उसमें भी उन्होंने अपना योगदान दिया। उन्होंने गांधी जी की प्रशंसा भी की कि वो हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हम देखें कि एक मनुष्य, एक मध्यम वर्ग, एक असहाय लोग, एक पराधीन राष्ट्र और मानव सेवा, ये सबके प्रति उन्होंने दृष्टि दी, और उसी दृष्टि के कारण समाज में कई परिवर्तन होते गए। अब देखिए कैसे कैसे परिवर्तन उनके समय में हुआ, इसकी हम कल्पना नहीं सकते। एक गांव में, पाकिस्तान में जब एक गांव थे, जैन मंदिर के रास्ते में मुसलमानों को मस्जिद में जाने का रास्ता था, मुसलमानों को प्रेम से दे दिया। अब देखिए जिसने सबसे महान प्रयत्न किया जैन धर्म को विदेश में को प्रसार करने का, ऐसे वीरचंद राघव जी गांधी, जो सौराष्ट्र के महुआ नामक गांव में अभ्यास कर रहे थे, वो आत्मानंद जी महाराज के पास गए और 6 महीने में उन्होंने इनका ऐसा परिवर्तन किया कि विश्व धर्म परिषद में ये वीरचंद राघव जी गांधी ने जैन धर्म का, अनेकांतवाद का और भारत के गौरव का प्रतिनिधित्व किया, और अपने गुरु को, पूज्य आत्मानंद जी महाराज को, वीरचंद गांधी के नाम का सूचन करने वाले गुरु वल्लभ थे। तो आप देखिए ये हमारी पंचतीर्थी है, उस पंचतीर्थियों से आगे चलते हैं
और ये पावन यात्रा पूर्ण होती है तब हमें ये सोचना है कि गुरुदेव के संदेश, गुरु वल्लभ नहीं प्राचीन थे, नहीं 150 साल पहले के हैं, नहीं 100 साल पहले उनका कार्य हुआ है, गुरु वल्लभ वो शाश्वत है और वो शाश्वत है, उनका संदेश भी शाश्वत है। आज उनका संदेश मनुष्य, धर्म, राष्ट्र सबके लिए इतना आवश्यक है जितना उस जमाने में भी था। सिर्फ जैन समाज को नहीं, अपितु संपूर्ण मनुष्य जाति इनके संदेश से, इनके कार्यों से, इस पंचतीर्थ से लाभान्वित हुई है। इस पंचतीर्थी को वंदना करता हूँ।